हाय गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो हमने 20,000 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, अब आपको बहुत पसंद आ रही है। चलिए, जैसा कि मैं रोज़ कहती हूँ कि आपको हर वीडियो को अटेम्प्ट करना है, अपने मार्क्स जो है आउट ऑफ 50 कितने आए हैं वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि आपको सबको, जितने भी आप लोग देखते हैं वीडियोज, आपको पता चले कि आपका लेवल क्या आ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कैसा चल रहा है। चलिए, लास्ट जो है हमने क्वेश्चन जो है 500 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम लोग उससे फर्दर जो है 50 क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। उससे पहले आपको हर वीडियो को में आना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई हैज अ ड्रॉइंग ऑफ पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट। हमने ऐसा सेम लास्ट क्वेश्चन भी किया था एक पिछली वीडियो में, कि आपको बताना था कि ऐसा कौन सा नोट है जिसपे इकोलॉजी जो है प्रिंटेड है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो कौन सा नोट है जिसमें पार्लियामेंट हाउस जो है नोट पर बना हुआ है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ₹500, 150 या ₹10। आपको बताना है कि इनमें से कौन से नोट पे पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ₹50 जो नोट है उसके ऊपर हमारा पार्लियामेंट हाउस जो है बना हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस? आपको बताना है खुले बाजार की क्रियाएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। एक चीज मैं आपको इस स्टार्टिंग में बता देती हूँ, इस ही पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन से ही देखने वाले हैं। वहां पे आप देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यही पूछा है कि व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, क्या होते हैं, लेकिन हर जगह जो है आपके पास जो नीचे स्टेटमेंट्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो इससे जो है आपके एमसीक्यू का जो मेन पर्पस होता है वो सॉल्व होगा। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट हर क्वेश्चन में बदलते स्टेटमेंट्स का आपको आंसर कैसे जो है जज करना है। क्वेश्चन है, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ऑप्शंस है आपके पास, एक्टिविटीज ऑफ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, सेलिंग ऑफ करेंसी बाय द आरबीआई, सेलिंग ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट, या सेल ऑफ शेयर्स बाय एफआईआई। आपको बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। मैं आपको मीनिंग पहले भी इसका डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ओपन मार्केट में सेल और परचेज जो है रखती है, ऑर्गेनाइज कराती है, वो होती है हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज सेलिंग ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गिल्ट एज्ड जो है एक वर्ड है, गिल्ट एज्ड का मतलब होता है जब जो है बहुत ही ज्यादा हाई टेक या बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल्ड जो हमारे शेयर होते हैं जब उनकी सेलिंग होती है, वो होती है हाई गिल्ट एज्ड, उनको हम बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज जो होती हैं वो हाई ग्रेड बॉन्ड्स होती हैं, जो कि कुछ जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो उनको इशू करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ड स्पेशली गिल्ट एज्ड है तो उसका क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई डिड द गवर्नमेंट बैन द इम्पोर्ट ऑफ टर्मिनेटर सीड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टर्मिनेटर सीड्स का आपको गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया इम्पोर्ट, वो क्यों किया है आपको ये बताना है। ऑप्शंस है आपके पास, टू कंटेन अ वायरस विच कैन डिस्ट्रॉय लोकल क्रॉप्स, दीज सीड्स आर इंजूरियस टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, दीज सीड्स कंटेन जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रॉपर्टीज टू प्रिवेंट फर्दर मल्टीप्लीकेशन, या दीज सीड्स मल्टीप्लाई एट अ वेरी लो रेट। आपको बताना है टर्मिनेटर सीड्स की गवर्नमेंट ने बैन जो है इम्पोर्ट वो क्यों किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, टर्मिनेटर सीड्स का मेन प्रॉब्लम ये है, या ये मेन प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो सीड्स को या सॉयल पर्टिकुलर एरिया को जो है वो स्टराइल बना देता है। इसका मतलब कि उसमें और मल्टीप्लीकेशन या और सीड्स जो है नहीं बन पाते हैं, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप है। इसीलिए जो है कि अगर मैंने एक जगह पर लैंड पे टर्मिनेटर सीड लगा दिया है तो ऑटोमेटिकली सॉइल भी खराब होगी, प्लस जो आगे की फसल होगी वो भी खराब हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है टर्मिनेटर सीड्स को इम्पोर्ट पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनेटर क्या है, एक पॉपुलर नेम है जो कि दिया गया है जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी को, जिसमें क्या है, शट ऑफ करना है रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज ऑफ सीड्स, मेकिंग सेकेंड जनरेशन सीड्स स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि नई जो पैदावार होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्विक रिवीजन है। वेज फंड थियोरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, आपको बताना है मजदूरी निधि सिद्धांत जो है इसका जो प्रतिपादन किसने किया है। आपके पास ऑप्शन है जेबी से, जे एस मिल, जे आर हिक्स या जे एम कीन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
जे एस मिल ने जो है ये आपकी वेज फंड थ्योरी जो बेसिकली ओरिजिनेट जो है जे एस मिल ने की थी। और इसमें इसने बोला कि हमें जो है एक जो एम्प्लॉय होता है उसको क्या करना है, एक वेज फंड जो है एक क्रिएट करना है, उसी से ही जो है उसको हर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को जो है पेमेंट करनी है। प्लस उसने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हर जो वेज या वर्कर है उसको इक्वल अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन एस्टिमेटिंग द बजटरी डेफिसिट, जब हम लोग बजटीय घाटे की बात करते हैं या उसको एस्टिमेट करते हैं, द अप्रोच ऑफिशियल अप्रोच इन इंडिया इज टू एक्सक्लूड, इसमें से हम लोग क्या चीज़ को शामिल नहीं करते हैं जब हम लोग बजटरी डेफिसिट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम द मार्केट, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, ड्रॉइंग डाउन ऑफ कैश बैलेंस, या बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड नीड मीन्स एडवांसेस। बजटरी डेफिसिट को एस्टिमेट करते हुए इसमें से हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें जो हम लोग कैश बैलेंस है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन देखेंगे वो है एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है एक कंट्री के लिए। ठीक है, तो उसमें जो कैश बैलेंस की हम इसमें इंक्लूड इसको नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बजटरी बजट डेफिसिट बेसिकली होता है जब हमारे एक्सपेंसेस जो हैं रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, और ये क्या बताते हैं, एक फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। बेसिकली बजट जो बजट होता है वो हमारे एक फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, उसमें अगर कोई डेफिसिट आ गया इसका मतलब वो अनहेल्दी, एक जो फाइनेंशियल अनहेल्दीनेस होती है कंट्री की वो बताता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द बेस्ट वे अ बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू, अगर एक बैंक को अपना हानि जो है अपना लॉस बचाना है तो इसमें से उसको क्या अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके पास, लेंड ओनली टू इंडिविजुअल्स नोन टू द बैंक, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा दे जिसको वो पहले से पहचानता है। गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, या अपने सिर्फ पुराने कस्टमर्स को दो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इवेंचुअली नए कस्टमर्स तो बनते ही हैं, उसको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि वो साउंड कोलेटरल, ठीक है, साउंड जो है कोलेटरल मतलब जो चीज़ें मोर्टगेज रखी जाती हैं वो जो है प्रॉपर उसकी चेकिंग हो, प्रॉपर उसकी असेसिंग हो, तभी उसको जो है लोन प्रोवाइड करना चाहिए, एक्सेप्ट करे वो साउंड कोलेटरल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच एमिट्स द फॉलोइंग रूरल बैंक्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ रिवर, ये जो कुछ बैंक्स के नाम आपको रूरल बैंक्स के नाम बताए गए हैं आपको बताना है इसमें से वो कौन सा बैंक है जिसका नाम एक रिवर पे एक नदी के ऊपर रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास, प्रथम बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक, थार अंचालिक ग्रामीण बैंक, या आपके पास है अरावली क्षेत्र ग्रामीण बैंक। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सा बैंक है जिसका नाम एक रिवर के ऊपर रखा गया है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, वर्धा ग्रामीण बैंक। वर्धा एक रिवर है जो कर्नाटका में फ्लो करती है, ठीक है, इसीलिए जो है इसका बैंक का नाम जो है रिवर पे रखा गया है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई, आपको मैंने ऑप्शंस दे दी, ऑप्शंस देख लीजिए एक बार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन इन गोल्ड, या लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक। आपको बताना है कि आरबीआई की जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो इसमें से क्या इंक्लूड करती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे सिक्योरिटीज में बात करती है, बॉन्ड्स की बात करती है। अगर सिर्फ शेयर्स होता तो ऑप्शन ए जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, वहां पे हम लोग बात करते हैं शेयर्स की भी बॉन्ड्स की, तो मतलब ऑन एन अगर होल बात करें तो वहां पे सिक्योरिटीज की बात होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ नेक्स्ट देखेंगे अब, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, आपको बताना है कि इंडिया ने जो ऑब्जेक्टिव रखते हैं, हम लोग हर 5 ईयर प्लान के आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो रखता है, आपको बताना है कि वो कौन से ईयर था या कौन सा प्लान था जहाँ पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी। ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास, 6th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, या 9th 5 ईयर प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो उसने बात की है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की है। चलिए हम लोग फटाफट से देख लेंगे एक बार कि 9th 5 ईयर प्लान में और क्या क्या चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने इंक्लूड की थी या मेंशन की थी। चलिए एक क्विक जो है रिवीजन ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स की। देखिए सबसे पहले तो है उन्होंने एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बात की थी, उनको प्रायोरिटाइज किया था, ठीक है, एक्सेलरेट किया था ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी को, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की थी, एक बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो एक होती है सेफ ड्रिंकिंग की या प्राइमरी हेल्थ केयर की इसकी बात की थी, कंटेनिंग की बात की थी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की थी,
वुमेन की एम्पावरमेंट एंड सोसाइटी में जो भी उसको डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उसके अलावा उनकी बात की थी, ठीक है। उसके अलावा प्रमोट एंड डेवलपिंग करने की कोशिश की थी किसकी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। उसके अलावा जो है सेल्फ रिलायंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9th जो प्लान था, 9th 5-year plan था, इसमें बेसिकली सबकी अपग्रेडेशन की ही बात की थी। यहाँ पे हर किसी की जो है कि बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट हो, इसी चीज की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है हमें पता है, जहाँ पे वो क्रेडिट पॉलिसीज जो है या क्रेडिट कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी में से आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डायरेक्ट क्रेडिट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, या इंश्योर सोशल जस्टिस। मॉनेटरी पॉलिसी में बात सिर्फ क्रेडिट को कंट्रोल करने की जाती है कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल्ड रहे, तो यहाँ पे जो बात है इकोनॉमिक की बूस्ट करने की वो बिल्कुल होती है, क्रेडिट कंट्रोल में बिल्कुल होती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करना तो बिल्कुल होती है, लेकिन सोशल जस्टिस की बात जो है वो यहाँ पे नहीं की जाती है। सोशल जस्टिस जो है ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक वॉज मर्ज इन द पंजाब नेशनल बैंक इन फेब्रुअरी 2003। इनमें से बैंक जो नाम प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें से वो कौन सा बैंक है जो पीएनबी में मर्ज हो गया था इन फेब्रुअरी 2003। ऑप्शन है आपके पास, कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, नैनीताल बैंक लिमिटेड, नेनगदी बैंक लिमिटेड, या मदुराई बैंक लिमिटेड। इसमें से कौन सा बैंक है जो पंजाब नेशनल बैंक की में फेब्रुअरी 2003 में मर्ज हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेदुगदी बैंक लिमिटेड। चलिए एक फटाफट से लुकआउट ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बात जो ये बना कब था, 1899 में बना था, कैलीकट में बना था इन केरला, और किसके नाम पे बना था, अप्पू नेनुगदी के नाम से, जो कि एक मलयालम नोवलिस्ट थे, ठीक है। उसके अलावा जो है 2003 में जो है पीएनबी ने इसको ओवरटेक कर लिया था, या बेसिकली आप कह सकते हो टुक ओवर कर लिया था इसको, बैंक को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो है वैट, जो अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट हमारे पास नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वैट से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है, वैट इज चार्ज एंड कलेक्टेड एट ऑल लेवल्स इन द इकोनॉमी। वैट हम सबको पता है कि वो हर लेवल पे जो है चार्ज किया जाता था, तो ये इसका पॉइंट जो वैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा। वैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड ऑन कंज्यूमर्स इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे कंज्यूम। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वैट में ऐसा ही होता है। वैट इज चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स बट वैट इज नॉट चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। इट स्टिल एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, ये पॉइंट ठीक नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी में वैट सिस्टम लागू नहीं होता है। यहाँ पे मैं कंट्री जो है अपनी इंडिया की बात कर रही हूँ। आपको पता है इंडिया में वैट को हटा के जो अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, दैट इज GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, अब वो बेसिकली है वैट की जगह हम लोग यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम आरबीआई की बात करें, हमें पता है कि आरबीआई जो है बहुत सारे पॉलिसीज रखता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। यहाँ पे बात हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप सम सिक्योरिटीज अगेंस्ट नोट्स, हमें पता है, तो दीज सिक्योरिटीज आर ऑलवेज लेस इन कंपैरिजन टू। आपको बताना है कि ये नोट्स की जो हम लोग तुलना कर रहे, कंपैरिजन कर रहे, तो किससे कम होती है। ऑप्शंस आपके पास, गोल्ड एंड फॉरेन बॉन्ड्स, गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या गोल्ड फॉरेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड फॉरेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब हम लोग जो है नोट्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है वो कम, अगर कंपैरिजन करें तो गोल्ड फॉरेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही कम रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। मर्चेंट बैंकिंग जो है एक इंस्टीट्यूशन है हु प्रोवाइड्स फाइनेंसेस टू, मर्चेंट बैंकिंग है की बात है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके पास, डोमेस्टिक होलसेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज, डोमेस्टिक रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल एड एजेंसीज। देखिए मर्चेंट बैंकिंग में हम लोग बात जो है इंटरनेशनल की ही करते हैं, तो मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक वाले पॉइंट्स तो हैं वो तो नहीं होंगे, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग में एड एजेंसी या कोई सहायता नहीं प्रोवाइड की जाती है, वो एक इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज के बीच में जो है फाइनेंस प्रोवाइड करती है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मर्चेंट बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्किल ओरिएंटेड
प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड बाय मर्चेंट बैंक्स टू देयर क्लाइंट्स, ठीक है, इसमें उनके फाइनेंशियल नीड्स हो, कोई भी एडिक्वेट कंसिडरेशन हो या कोई भी इन द फॉर्म ऑफ फी हो, यहाँ पे उसकी बात की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है, मर्चेंट बैंकिंग द स्पेशलिस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, डज एक्सेल इन ट्रांजेक्टिंग विद लार्ज एंटरप्राइजेस, बात इंटरनेशनल की ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, एड एजेंसीज नहीं है, मतलब कोई सहायता एजेंसी नहीं है, कोई सहायता प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज, अगर हम लोग भारत बाजार में बात करें, मुद्रा जारी करना तथा उस पर नजर रखने की प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास, प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो, फिक्स्ड रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व रेशियो या फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो। इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम रिजर्व रेशियो, जो इसका न्यूनतम कोष अनुपात होता है उसको हम लोग सिस्टम को बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट। हम सबको पता है आरबीआई जो हमारे लिए करेंसीज जो है क्या कहते हैं, छापते हैं, प्रिंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि आरबीआई को भी एक सिस्टम होता है जिसमें उसको अपने पास भी एसेट्स जो है मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। वो टोटल अमाउंट जो है उसको 200 करोड़ के अपने पास ऑल द टाइम मेंटेन करके रखनी पड़ती है, उसमें से जो है 115 करोड़ रुपए जो है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या गोल्ड बुलियंस होता है, और रेस्ट जो है 85 करोड़ जो होते हैं वो फॉरेन करेंसीज में मेंटेन करके रखना पड़ता है। इन 200 करोड़ के बाद जो है आरबीआई जो है प्रिंट कर सकता है नोट को, करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकता है, जो भी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके मतलब रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन फिर भी जो है आरबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है किसकी, गवर्नमेंट की, बिफोर इशूइंग एनी काइंड ऑफ नोट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्विक रिवीजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल फॉर ज्वाइंट सप्लाई। मैंने आपको ज्वाइंट डिमांड जो है, ज्वाइंट सप्लाई दोनों अच्छे तरीके से समझा दिए थे, चलिए फिर भी क्विक रिवीजन है। ज्वाइंट सप्लाई का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कॉफी एंड टी, इंक एंड पेन, टूथब्रश एंड पेस्ट या वूल एंड मटन। मैंने आपको तभी बताया था ज्वाइंट सप्लाई वो होती है, वो सप्लाई जिसका ओरिजिन जो है, मतलब बेसिकली वो एक ही चीज से जो है सप्लाई निकले, एक ही चीज में से ओरिजिन एक ही हो, सप्लाई उससे एक दो चीजें ज्यादा हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे वूल एंड मटन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वूल और मटन जो है दोनों शीप से आते हैं, शीप से वूल भी निकलती है, शीप से मटन भी निकलता है, तो ये बन जाता है एक ज्वाइंट सप्लाई का बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्वाइंट सप्लाई एग्जिस्ट व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम सोर्स, ठीक है, एक ही सोर्स से जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है ओरिजिनेट हो जाएं, वो बन जाता है हमारा ज्वाइंट सप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट एन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से जो है देखिए, सेम क्वेश्चन है, पॉइंट स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पर भी आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं आरबीआई की, इसमें से कौन सा जो उनको ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शंस है गिविंग इम्पेटस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डायरेक्ट क्रेडिट विद ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू कंट्रोल प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन या टू इंश्योर सोशल जस्टिस। देखिए सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है जब कोई ऐसी चीज बनाई जाए या करी जाए जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो या बहुत ज्यादा उससे बहुत एनर्जी रिलीज हो, दैट बिकम्स इम्पेटस, ठीक है। तो ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा काम करता है जिससे जो है एक इफेक्टिव जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इफेक्टिव रोल प्ले करे। तो इम्पेटस का मतलब होता है इफेक्टिव काम करना, ठीक है। इम्पेटस का मतलब है कुछ भी काम करना जो बहुत इफेक्टिव हो या बहुत एनर्जेटिक हो, ठीक है। तो गिविंग इम्पेटस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी या किसी भी तरीके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आपको यहाँ पे बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इसमें से कौन सा एम नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर सोशल जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स दैट दे शुड गिव सम कैश अमाउंट व्हाइल परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, व्हाट वुड यू कॉल दिस। हम सबको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो वो एक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो एक लीगल वो रखती है कि आपको जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने होंगे अगेंस्ट सम कैश। इस प्रोसीजर को या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन है आपके पास स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व रेशियो या फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको हम बोलते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। उसके बदले में SLR, यहाँ पे आप देख सकते हैं SLR के बदले में RBI जो है एक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि उनको जो है अपनी कुछ प्रोपोर्शन जो है अपना अपना जो पैसा है उनको
रखना है एज अ लिक्विड एसेट्स इन देयर ओन वॉल्ट, उनको अपने पास रखना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, एज द एसएलआर इज अ स्टैचुरी रिक्वायरमेंट एंड बैंक प्रेफर टू कीप देयर एसएलआर इन द फॉर्म ऑफ इनकम अर्निंग सिक्योरिटीज, तो इसके लिए क्या करते हैं, द गवर्नमेंट कैन इजीली सेल इट बॉन्ड टू द बैंक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द रिसीट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस या ड्यूटीज आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स। मैंने आपको एक दो वीडियोस पहले जो है एक पूरी लिस्ट बताई थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन से टैक्सेस या कौन सी ड्यूटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कौन से टैक्सेस या जो हमारी ड्यूटीज होती है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो वहां पे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वो याद होंगी, आपको पता होंगी। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी टैक्स या ड्यूटीज जो है स्टेट जो है कलेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन है आपके पास, टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन टैक्स, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। टैक्स ऑन इनकम जो है वो कम्प्लीटली जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल रहता है, पर जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पे स्टेट के पास जाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा रिसीट जो है वो हमारे स्टेट के पास नहीं जाता है, तो टैक्स ऑन इनकम नहीं जाता है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला जाता है लेकिन इनकम वाला पार्ट जो है वो नहीं जाता है। चलिए यहाँ पे क्विकली जो है आप एक बार एक नजर मार सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी चीजें जो है कौन सी ड्यूटीज है या टैक्सेस हैं जो कि आपके पास जाती है, किसके पास, स्टेट के पास जाती है। आपको यहाँ पे इमीडिएटली इसको याद रखनी है चीजें, पॉइंट देख लीजिए। ओके, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी हो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, स्टेट ड्यूटी हो, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स, ये क्वेश्चन आप ये थोड़े पॉइंट्स याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में आने वाला है, तो आपका वो करेक्ट होना चाहिए। टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्रेट्स, ठीक है, कोई भी टैक्स अदर देन स्टैम्प ड्यूटी हो कोई, ठीक है, सेल एंड परचेज हो कोई भी न्यूज़पेपर का हो, ठीक है। उसके अलावा जो है अदर देन न्यूज़पेपर में हम लोग क्या क्या कर लेंगे, सेल और परचेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स हो, टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स हो, ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। ये अभी एक आध क्वेश्चन जो है और आने वाला है आगे इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज, किसी देश की अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो वो क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास, गवर्नमेंट एनुअल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्टिव इनकम, सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की यहाँ पे बात है। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, टोटल प्रोडक्टिव इनकम की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, सिंपल है ये चीज। चलिए अब तो बहुत क्वेश्चन हम इसके बारे में कर चुके हैं। ओके, विच इज द मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, अगर एक उद्यमी की बात करें तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, सुपरविजन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या रिस्क बेयरिंग। देखिए हम सबको पता है कि एंटरप्रेन्योर की बात करें या एक एंटर जो प्राइस जो ओनर होता है उसकी बात करें, उसको सुपरविजन सबको करनी पड़ती है, मैनेजमेंट सबको करनी पड़ती है, मार्केटिंग सबको करनी पड़ती है, लेकिन रिस्क बेयरिंग ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो कंपनी टू कंपनी जो है वेरी करती है। हर कंपनी का जो ओनर होता है उसका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अलग होती है कि वो कितना जोखिम जो है सह सकता है, कितना जोखिम उठाना चाहता है, तो कंपनी टू कंपनी जो है ये चीज़ डिपेंड करती है, वेरी करती है। बाकी सब पॉइंट्स जो है सारी कंपनीज फॉलो करती है, लेकिन रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एमिट्स द फॉलोइंग टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन इज नॉट मैंडेटेड टू बी असाइन टू द स्टेट्स। चलिए अगर आपको पॉइंट्स याद हैं अब आपको यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स ऑन पैसेंजर्स कैरिड बाय रेलवे सी और एयर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्रेट्स, टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स या सर्विस टैक्स। ये जो ऊपर के तीन टैक्स हमने वहाँ पे लिस्ट में पढ़े हैं जो स्टेट के पास जाते ही जाते हैं, लेकिन एक सर्विस टैक्स जो है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस टैक्स की अगर बात करें वो टैक्स है लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन सर्टेन सर्विस ट्रांजेक्शन बट इज एक्चुअली बॉर्न बाय द कस्टमर। इवेंचुअली जो सर्विस टैक्स जो है वो किसके पास जाता है, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर कोई दिक्कत है वो आपको दोबारा से पॉइंट्स को क्रॉस चेक जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया वॉज टू इंश्योर, आपको बताना है कि भारत की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है या करता था। ऑप्शन है आपके पास,
क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन, जो हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसमें से वो क्या इंश्योर करता था, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो मेक श्योर करता था कि जो रीजन है, जो जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बराबर की हो। इसीलिए जो अगर आपको याद होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है कोई पर्टिकुलर जो है अंडर कोई डेवलप्ड है, कोई ज़्यादा ही अंडर डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसको मोटिवेट करने के लिए ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आपको बताना है कि करेंसी नोट्स ऑफ रुपीज 2 डिनोमिनेशन एंड अबव आर लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज ऑफ, अगर हम लोग 2 रुपए से ऊपर की बात करें तो आपको बताना है कि वो 2 रुपए से ऊपर के जो भी नोट इशू करता है वो किसका हक होता है या किसकी देयता होता है। ऑप्शन है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, SBI या ऑल ऑफ दी अबव। बहुत सिंपल सी बात है, ये सारे 2 रुपए से ऊपर के, 2 रुपए के अलावा जितने भी नोट्स हैं, लाइक उससे ऊपर जितने भी नोट्स हैं उनकी जो इशूइंग है वो हमारा RBI देखता है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे जितने भी कॉइन्स हैं प्लस 1 रुपए का नोट जो है वो कौन देखता है, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। 2 रुपए से ऊपर जितनी भी करेंसी इशू होती है वो हमारी RBI के अंडर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टाइप ऑफ नोट इशू सिस्टम फॉलोड इन इंडिया इज, ये चीज अभी हमने डिस्कस की है, भारत में नोट जारी करने की किस प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल फिड्यूशरी सिस्टम या फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम। हमारे इंडिया में जो नोट इशू किए जाते हैं वो लोग वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। RBI का मैंने आपको बताया है वो 200 करोड़ वाला सिस्टम होता है, उसमें से 115 करोड़ जो है उनको गोल्ड या गोल्ड बुलियंस में रखना होता है और उसके अलावा आई थिंक 85 करोड़ रुपीज बचते हैं जो उनको फॉरेन करेंसीज में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद ही जो है वो अपना आगे का सिस्टम देखते हैं कि वो आगे कितनी इकोनॉमी में जरूरत है पैसों की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन का कारण क्या है या मुद्रास्फीति का कारण क्या है, वो किस वजह से होती है। ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, डिक्रीज इन मनी सप्लाई या इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी, वो बिल्कुल करेक्ट है। मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, यहाँ पे देख लेंगे। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है, अ फर्म सेल्स न्यू शेयर्स वर्थ ₹1,000 डायरेक्टली टू इंडिविजुअल, दिस ट्रांजेक्शन विल कॉज, अगर एक फर्म ने जो है एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली ₹1,000 के शेयर्स जो है बेच दिए हैं तो इससे जो है क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शंस हैं आपके पास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज टू राइज बाय ₹1,000, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू राइज बाय ₹1,000, नेशनल इनकम टू राइज बाय ₹1,000 या नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो होगा कि कोई भी जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। देखिए एक फर्म ने जो है न्यू शेयर इशू किए और जो ₹1,000 जो है ₹1,000 के शेयर एक इंडिविजुअल को दे दिए, ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे नेशनल इनकम जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इस पर कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसमें कोई इम्पैक्ट जो है इसका नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूँ कि आपको ये आएगा। ऑप्शन है, परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विसेज, परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज हायर देन एग्रीकल्चर, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन इंडस्ट्री या परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर। यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज शेयर की, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या नंबर ऑफ लेबरर्स के बेसिस पे नहीं है, तो आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो फील्ड है
इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर परसेंटेज शेयर की कि नेशनल इनकम में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से जो है हमारी टर्शरी सेक्टर जो सर्विस रिलेटेड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ज्यादा है। प्राइमरी के बेसिस में देखेंगे, सेक्टर वर्किंग फोर्स के बेसिस में देखेंगे, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर मतलब हमारी एग्रीकल्चर का जो है वर्कलोड, या उनके उनके साइड से जो क्या बोलते हैं परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है। चलिए सिंपल सी पॉइंट थी ये। ओके नेक्स्ट देखेंगे, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो इकोनॉमी में बढ़ गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए है। आपके पास ऑप्शंस है, सेविंग इंक्रीज हो रही है, लेंडिंग डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, या रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ये भी मैं आपको पहले जो है वीडियो में समझा चुकी हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी समझाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हमारी लेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमें जो एक पूंजी के ऊपर लाभ मिलता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग सेव करना शुरू कर देंगे, लेंडिंग डिक्रीज हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है जब हमारी इंटरेस्ट रेट जो है वो इकोनॉमी में बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगेन सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, आपको बताना है खुले बाजार की क्रियाएं से आशय है, ऑप्शन है आपके पास, बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, लेंडिंग बाय स्केड्यूल्ड बैंक्स टू नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, या परचेज एंड सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे बात करते हैं परचेज एंड सेल किस चीज की, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज की। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको ये चीज हमेशा अब याद रखनी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में शेयर्स के ऊपर कभी भी टिक नहीं करना है। बात यहाँ पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खरीद लेती है बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, ये चीज पॉइंट जो हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज, ऑप्शन है मार्च टू अप्रैल, सेप्टेम्बर टू दिसंबर, जैन टू जून, या फिर अप्रैल टू सेप्टेम्बर। स्लैक सीजन जो है इंडियन इकोनॉमी में वो कौन सा सीजन होता है? चलिए वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल टू सेप्टेम्बर का सीजन। चलिए अब देख लेते हैं स्लैक सीजन होता क्या है। स्लैक सीजन बेसिकली वो सीजन होता है जहाँ पे किसी भी तरीके की लाइक प्रोडक्शन भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, एग्रीकल्चर भी इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो हमारा जो ज्यादातर बारिशों का सीजन इंक्लूड हो जाता है उसमें, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से उसको स्लैक सीजन बोलते हैं। उसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर जो है उसको हम लोग स्लैक सीजन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको बिजी सीजन भी पता होना चाहिए, जो हमारा अक्टूबर टू मार्च होता है इसको हम लोग बिजी सीजन बोलते हैं, क्योंकि अप्रैल टू सितंबर में जो है समर्स और मॉनसून जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था स्लैक सीजन से रिलेटेड, आपको बिजी सीजन भी पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वो कौन सी एक बुनियादी ढांचा जो है इसमें हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो को हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, निवेश नहीं मानते हैं? ऑप्शन है आपके पास, पावर प्रोजेक्ट, रेलवेज प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं। पावर प्रोजेक्ट जो है इनिशियली उसमें बिल्कुल बेस से काम करना पड़ता है, इसीलिए उसमें उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट में, टेलीकम्युनिकेशन में, इसमें बिल्कुल बेस से जो है हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इसीलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं। चलिए यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दी है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। ओके, इकोनॉमिक्स इज वॉट इट ऑट टू बी, ये स्टेटमेंट क्या बताता है, या बेसिकली कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स, या फिस्कल इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज वॉट इट ऑट टू बी, मतलब उसको जैसा होना चाहिए वो वैसी ही है। ये स्टेटमेंट जो है किसने बोली है, ये कौन सी इकोनॉमिक्स में इंक्लूडेड है? इट इज इंक्लूडेड इन ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में हम बात करें कि 10% की जो है इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ गई है, इन्फ्लेशन होगी 10% से, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलती है कि ओके इसमें इतना ही इन्फ्लेशन जो है बढ़ने वाला था, तो ऐसा ही होने वाला था, या ऐसा हो गया तो यही होने वाला था, ये बताता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, वॉट इज नोन
एज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगेन सेम चीज है, आरबीआई की जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या और कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, ऑक्शनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज या ट्रांजेक्शंस इन गोल्ड। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो क्या बताता है, अगेन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। अब देखिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको इजीली करेक्ट आंसर ही बताएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। हमें पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो हमारे, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसीज क्या है जो क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, दैट इज हमारी मॉनिटरी पॉलिसी, और उसको कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, सिंपल सी चीज है। तो आरबीआई जो है हमारा कंट्रोलर है क्रेडिट का इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन डिड द रुपी बिकम अ फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी ऑन अ करंट अकाउंट इन इंडिया। हमें पता है कि पहले कोई भी अगर एक्सचेंज होता था वो गोल्ड टर्म्स में होता था, एक्सचेंज में गोल्ड ही किया जाता था, गोल्ड ही दिया जाता था। तो हमें बताना है कि रुपी कौन से ईयर में जो है बिल्कुल फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी बन गई थी। आपके पास ऑप्शंस हैं 2000, 2001, 1994 या 1999। किस ईयर में जो है हमारा रुपी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी बन गया था? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1994 में जो हमारा इंडियन रुपया फुली कन्वर्टेबल बन गया था। उससे पहले क्या होता था हमारे पास, जो वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होती थी बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड की जाती थी, सर्कुलेशन में कुछ भी होता था, कन्वर्जन किस में थी, आइदर इन गोल्ड और अदर करेंसीज बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन 1994 से जो है इंडियन रुपये को फुली कन्वर्टेबल कर दिया गया था। अंत्योदय प्रोग्राम जो है वो किस से एसोसिएटेड है, ये भी आपके लिए क्विक रिवीजन है। ऑप्शंस आपके पास, लिबरेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ब्रिंगिंग अप कल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया, डिमांड्स ऑफ टेक्सटाइल लेबरर्स, या अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अंत्योदय प्रोग्राम जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया था? चलिए, इसको लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर डी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करने के लिए अंत्योदय प्रोग्राम बनाया गया था। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू डी वैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसीज इन ऑर्डर टू प्रमोट। सरकार जो है अपने सरकार डैश को बढ़ावा देने के लिए अपनी मुद्रा को अवमूल्यन का सहारा लेती है। किस चीज को जो है सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी करेंसीज को डी वैल्यू, मतलब अपने पैसों की वैल्यू जो है वो कम कर देती है। ऑप्शन है आपके पास, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल गुडविल, एक्सपोर्ट्स या सेविंग। तो इतने सारे क्वेश्चन में आपको ये बेस रेडी हो चुका है कि जो है गवर्नमेंट जो है अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करती है ताकि अपने एक्सपोर्ट्स को जो है वो प्रमोट कर सके। देखिए, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये कि अगर मेरी करेंसी, मेरी कंट्री में मुझे मेरे प्रोडक्शन की वैल्यू कम मिलेगी तो मैं ऑटोमेटिकली जो है कोशिश करूंगी कि मेरा प्रोडक्ट बाहर बिकने को जाए, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी ताकि जो मैंने प्रोडक्शन किया उसकी मुझे बेस्ट वैल्यू मिले। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी करेंसीज की डीवैल्यूएशन कर देती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स लाइज विद दी। अगर आप हम एक बेसिक या एक बुनियादी बात करें कि वो किसके पास ये कंट्रोल है, क्या किसके पास अथॉरिटी है कि हमारे गवर्नमेंट की या हमारी कंट्री की म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। ऑप्शंस है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या नन। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है हमारे कंट्री में म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जे पी कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, क्योंकि उस टाइम जो थे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारे फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर थे, इसीलिए जो प्लानिंग कमीशन के भी जो है प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो भी यही थे। चलिए, पॉइंट्स को इंटर रिलेट करके रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, आपको यहाँ पे और भी बता ले जो है पॉइंट, प्लानिंग कमीशन जो है, अब आपको मैंने पहले भी बोला था ये अब नीति आयोग बन चुका है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, प्लानिंग कमीशन जो है अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करती है, अब ये नीति आयोग बन चुकी है। चलिए,
आइडेंटिफाई करना है आपको नवरत्न कंपनीज इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है नवरत्न कंपनीज में इंक्लूड की जाती हैं। आपको पता है हमारे पास महारत्न होते हैं, नवरत्न होते हैं एंड देन मिनी रत्न होते हैं, तो इसमें से कौन है जो नवरत्न में आता है। ऑप्शन है आपके पास ICICI बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या एयर इंडिया। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है हमारा नवरत्न में इंक्लूड किया जाता है। चलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो है, देखिए मिनी रत्न याद करने बहुत टफ है क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा जो आपके मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं, जो हमारे महारत्न और नवरत्न हैं ये थोड़े से लिमिटेड हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमारे नवरत्न हैं ये है हमारा फोर्थ नंबर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। उसके अलावा जो है ये इस पूरी लिस्ट को आपको नोट डाउन जरूर करना है आफ्टर दिस वीडियो, ताकि आपको याद रहे, ये जो है लेटेस्ट ही है तो आपको यहाँ पे याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मिनी रत्न थोड़े मुश्किल हैं, मिनी रत्न जो है याद करने थोड़े मुश्किल हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर, लेकिन ये आपको बेसिक जो है याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है टू इंडियाज इकोनॉमी जो है, जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट या नन ऑफ दीज। देखिए लोग ज़्यादा उसी में ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो है अगर एग्रीकल्चर के कॉन्ट्रीब्यूशन की आप बात करें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो डिक्रीज हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है, उससे जो हमें बेसिकली योगदान जो आ रहा है वो कम होता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है या नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें वो इन्वॉल्व उसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसकी अब डिक्रीज होती जा रही है। चलिए आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट्स देख लेंगे, NTPC है डाइवर्सिफाइड टू हाइड्रो पावर सेक्टर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हैज डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर्स। ये दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि दोनों सही है, ये दोनों ही गलत है। ऑप्शंस हैं ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, ओके यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। देखिए यहाँ पे NTPC की बात करें तो उसने अब जो है हाइड्रो डेवलपमेंट में जो है अपना इंटरेस्ट शो करने कर दिया है फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने कोलदम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में की गई है, कहाँ पर है, लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो पावर ग्रिड की बात करें, पावर ग्रिड ने भी जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट जो है कर दिया है, कंपनी इज एंगेज इन दी ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। उसके अलावा जो है उसने अपना इन्वेस्टमेंट जो है टेली कम्युनिकेशन में भी कर दिया है, टेलीकॉम बिजनेस में भी जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्टमेंट कर दी है। चलिए दादा भाई न्योरजी की बात हो रही है यहाँ पे। आपको पता है जो हमारा फर्स्ट टाइम जो है इनिशियली जो किसने हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेशन लगाई थी वो था दादा भाई न्योरजी ने की थी। आपके पास क्वेश्चन है, दादा भाई न्योरजी थियोराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। उन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत से धन निकासी का सिद्धांत दिया है या भारत से जो है हमारा वेल्थ जो है जा रहा है, ये उन्होंने किस बुक में बताया था अपनी। ऑप्शंस हैं आपके पास पावर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। उनकी बुक का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में जो है उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है जिक्र किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दादा भाई जो है हमारे फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स थे, हमारे जो कांग्रेस है उसके फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स थे, मेंबर थे बेसिकली। उनकी बुक थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ध्यान बंटवाया लोगों का कि जो हमारी इंडिया की वेल्थ जो है वो ब्रिटेन की तरफ जो है ड्रेन आउट हो रही है। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हमने आई थिंक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक
आयाम नहीं है, या इसमें से कौन सा जो है वो डायमेंशन नहीं है। ऑप्शंस है आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, सोशल स्टेटस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी सेम टॉपिक से हमने दो क्वेश्चन जो है अपने प्रीवियस वीडियो में की थी। पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, दैट इज सोशल स्टेटस जो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ये बेसिकली डायमेंशन जो है इसका नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डायमेंशन नहीं है। चलिए फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार दोबारा से। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जो है ये बताया था, या बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसने हमें बताया था? अमर्त्या सेन, जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थी। उसके अलावा महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। आपको इन दोनों के नाम पता होना चाहिए। प्लस इन्होंने जो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताई थी, उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है, नॉलेज का मतलब है एजुकेशन से, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारी किससे डिपेंड करती है, वो करती है किसी भी एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम पे। तो उन्होंने 3 डायमेंशन दिए थे, वो तीनों इसमें इंक्लूडेड है। सोशल स्टेटस उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया था। आपको नाम भी है अमर्त्या सेन एंड महबूब उल हक पता होना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन। यहाँ पे एपेक्स बैंक पूरी कंट्री के लिए वर्ल्ड वाइड बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल लोन्स के लिए जो है इनमें से कौन जो है एपेक्स बैंक है, आरबीआई, नबार्ड, आईसीआईसीआई या आईडीबीआई। तो हम सबको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इडबी है, इंडस्ट्रियल लोन का एक एपेक्स बैंक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है इडबी, ये स्टैब्लिश किया गया था इन 1964। ठीक है, उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए इसके अंडर जो है कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सिडबी, एक्सिम बैंक, एनएसई, एनएसडीएल, ये सब इसके इंक्लूडेड होते हैं या इसके अंडर हैं या इसके रूट से बेसिकली जो है निकले हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ का जो है इसमें से मेन फंक्शन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कलेक्शन ऑफ डिटेल डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट या प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सीएसओ का जो मेन रोल है वो हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए है। उसके अलावा जो इसमें पॉइंट उल्टा करके भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, नीचे जो है ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हो सकते हैं और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है, दैट उसका आंसर हो जाएगा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको दोनों वे से जो है आंसर पता होना चाहिए, सीएसओ हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सो रिलेटेड दैट, यहाँ पे बात हो रही है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की, यहाँ पे बात आ जाती है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ठीक है, आपको बताना है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है। प्लानिंग इनिशिएट्स कंट्रोल, कंट्रोल इनिशिएट्स प्लानिंग, बोथ आर इक्विवेलेंट या बोथ गो ऑन साइमल्टेनियसली इन साइकिल। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है बहुत सिंपल सी चीज है, दे गो साइमल्टेनियसली इन साइकिल, दोनों एक साथ चक्र में चलते हैं। देखिए प्लानिंग जो है हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है, जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है वहां पे सबसे पहला काम होता है प्लानिंग, हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस किस रिसोर्सेज को यूज करना है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और कंट्रोल जो है बिल्कुल लास्ट स्टेप आता है कि हमने इनिशियली जो प्लान किया था क्या वो जो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया है, वो हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग में, नियंत्रण करने के लिए जो है बेसिकली वहां पे प्लानिंग को नियंत्रण करने के लिए कंट्रोलिंग की जाती है। तो दे गो जो है दे गो साइमल्टेनियसली इन साइकिल, दोनों एक साथ चलते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंक्ड डिमांड कर्व इज अ फीचर ऑफ, अगर हम बात करें कि विकुंचित मांग वक्र नियमन में से किसकी विशेषता होती है। ऑप्शन है आपके पास मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपसोनी या डुओपोली। तो इसका आंसर है करेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ मार्केट है, हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है किंग, इसको बोलते हैं किंग, ये पॉइंट पी जो है इससे हमें पता चलता है, हमें पता है कि ओलिगोपोली में बहुत ही फ्यू सेलर्स होते हैं। एक सेलर ने अगर कोई पॉलिसी रखी है ऑटोमेटिकली वो दूसरे सेलर को पता चल जाती है, इसलिए जो है एक प्रॉपर जो है एक डिमांड कर्व इनकी नहीं बन पाती है, क्योंकि पॉलिसी जैसे ही एक से दूसरे को पता चलती है वो अपनी पॉलिसी फिर चेंज कर लेते हैं, अपनी प्राइस फिर चेंज कर लेते हैं, अपनी क्वांटिटी जो प्रोडक्शन की है वो फिर चेंज कर देते हैं। इस वजह से जो है इनकी जो एक डिमांड कब आती है उसमें एक किंग आता है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड एंड प्लान्ड बाय द स्टेट। इसमें से जो कौन सा कर है या कर है टैक्स है जो कि
लेवी जो है या बेसिकली इम्पोज जो है यूनियन की तरफ से किया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, लेकिन उसको अप्रोप्रिएट, उसको प्लान जो है वो स्टेट करता है। ऑप्शन है आपके पास, सर्विस टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स या पैसेंजर एंड फ्रेट ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैंप ड्यूटी जो है उसको टैक्स लेवी यूनियन ही करता है, लेकिन उसको अप्रोप्रिएट और उसको प्लान जो है वो स्टेट करता है। चलिए स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे देख लेते हैं क्या होती है। एक स्टेट लेवी होती है पे टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए बेसिकली इस टैक्स को या इस ड्यूटी को पे किया जाता है। चलिए ओके, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने 50 क्वेश्चन जो मतलब 550 क्वेश्चन जो अपने कवर कर लिए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। आई सी यू टुमारो सेम टाइमिंग्स पे।